दोस्तों नोकिया ने फिलहाल ही में इंडिया में लॉन्च किया है अपना नोकिया C31। जी हाँ दोस्तों, ये एक 4G डिवाइस है और इसकी प्राइसिंग के बारे में अगर बात करें तो आपको 3GB 32GB वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा 9999 पे, और जो इसका अच्छा वेरिएंट है 4GB 64GB आपको देखने को मिलेगा 10999 पे। इसी के बारे में बात करते हैं, क्या ये हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी है, क्या इसको लेना चाहिए या फिर हमें इसको इग्नोर करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की बारे में, जो कि आपको देखने को मिल रहा है 6.7 इंचेस का एक 60 हर्ट्ज़ का 720 वाला HD डिस्प्ले, ना कि 90 हर्ट्ज़ ना कि 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है, नॉर्मल एक डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में दोस्तों नोकिया कहता है कि इस पे आपको गूगल कैमरा देखने को मिलेगा, वैसा कुछ भी नहीं है, आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात ले तो कई बार मेंशन किया नहीं, जब मैं उनकी ऑफिशियल साइट में गया तो सिर्फ ऑक्टा कोर लिखा गया है, यानी कि 4 साल पुराना जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलते थे मिड रेंज स्मार्टफोन में 22 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जो कि काफी गलत बात है। मुझे पता नहीं ये सब क्यों डाल के देते हैं नोकिया। उसके बाद में दोस्तों आपको मिलेगा इस पे 5100 mAh की बैटरी, जो कि अच्छी बात है। 10 वाट का चार्जर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको टाइप सी देखने को नहीं मिल रहा है, USB टाइप देखने को मिल रहा है। पता नहीं बाकी स्मार्टफोन ब्रांड वाले जैसे कि आपको पोको, रियलमी, शाओमी, वीवो, ओप्पो, इन सब में भी 10,000 के अंदर में अभी टाइप सी देखने को मिल रहा है, भले ही 10 वाट का हो लेकिन टाइप सी देखने को मिल रहा है। अभी बात कर लेते हैं कि इस फोन को हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों मैं यही कहूंगा कि ये स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में आ रहा है, लेकिन नोकिया ने कहीं पर मेंशन किया नहीं कि आपको एंड्रॉइड के अपडेट मिलेंगे OS के, लेकिन बॉक्स के ऊपर उन्होंने मेंशन करके दिया हुआ है 2 साल तक आपको सिक्योरिटी पेज के अपडेट मिलेंगे। और हाँ, इतना पुराना प्रोसेसर में आपको कहां से एंड्रॉइड OS के अपडेट देखने को मिलेंगे, तो एंड्रॉइड 12 के साथ में आ रहा है। बस आप ये सोच के चलिए कि आगे आपको एंड्रॉइड के अपडेट देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन सिक्योरिटी पेज के अपडेट देखने को मिलेंगे। 10,000 के अंदर में कोई अगर स्मार्टफोन ब्रांड इतने कम फ्यूचर के साथ में लॉन्च करेगा, चाहे वो नोकिया हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी लेगा नहीं। कुछ लोग गिने चुने होंगे जो नोकिया लवर होंगे वो ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप 10,000 में कोई एक स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हो तो ये आपके लिए सही नहीं है।